सो दिस इज द लास्ट डे ऑफ आवर ट्रिप, मीन्स दिस इज द फोर्थ डे, और हमने सैम से रिटर्न स्टार्ट कर दिया था, और लौटते समय हमें कुछ स्पोर्ट्स मिले, तो हमने स्पोर्ट्स किए, मीन्स पैरासेलिंग एंड ATB राइड। तो मैं आपको बताऊंगा कि उसके एक्सपीरियंसेस कैसे थे। लगभग 7 बज चुके हैं और अभी हम उठ चुके हैं, रेडी हो रहे हैं सनराइज देखने के लिए। सनराइज मतलब अभी रोशनी अच्छी खासी है, लेकिन अभी सन नहीं दिखा। ये पीछे आपको दिख रहा है मून जस्ट हमारे टेंट के ऊपर, और इधर आपको दिखेगा सनराइज, लाल कलर का गोला धीरे धीरे ऊपर उठेगा और हम उसे देखने जाएंगे। ओके, दिख रहा है मुझे, दिखा है, इफ यू कैन सी, तो ऐसा है, लेकिन यहाँ से शायद दिखेगा नहीं, ज्यादा सही दिखेगा, ठंड नहीं है, रात में भी ज्यादा ठंड नहीं थी। औषधदेव, और अभी हम आ गए ड्यून्स पे, यहाँ पर आपको दिखेगा सनराइज। सो गाइज, इट इज सनराइज, और लेट हो गया थोड़ा, 7 बजे आते तो क्लियर सूरज चाचा ऊपर आते हुए दिखाई देते, और पीछे हमारे मामा जी थोड़े डिम हो गए, चंदा मामा और सूरज चाचा दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। तो अभी हम निकल चुके हैं सैम से, और यहाँ जा रहे हैं, पहले अब हमारा रूट रहेगा जैसलमेर से बीकानेर, फिर बीकानेर हरियाणा, और हरियाणा से दिल्ली, दिल्ली से बरेली, और हमारे पास अब केवल 2 दिन बचे, 2 दिन भी क्या, 10 तो बजी गया अभी, और अभी ATB राइड के पास रुके हैं, तो अभी हम ATB राइड करेंगे, और पैरासेलिंग है यहाँ, और विंड मिल्स तो दूर दूर तक दिखी है। चलिए फिर बाकी चीजें। हेलो गाइस, हेलो एवरीवन, वी थ्री फॉर पैरासेलिंग, ओके फाइन, लेट्स गो। ही राइड इज सो कूल, बट हैंडल वो सो टाइट, इतना टाइट कि अगर आप मोड़ना चाहो तो इजीली नहीं मोड़ सकते, तो हैंडल टाइट है। ATB राइड वॉज 400 फॉर टू, बट आप नेगोशिएशन कर सकते हो। पैरासेलिंग वॉज सो वाव, आई कंट्रोल माई इमोशंस एट दैट टाइम। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, 200 फीट ऊंचाई पे होऊंगा मैं, और वो हमारा जिप्सी जा रही है।
कैसा लगेगा। इवन कुलदीप ने तो मुझे देख के ही क्विट कर दिया था कि मैं नहीं करूँगा ये। खड़ा रहूँ? नहीं, मुझे भी दौड़ना पड़ेगा ना, थोड़ा दौड़ना पड़ेगा। अच्छा, एंड करते समय लाइक आपको जंप करना है। इन्हें पहली फोल्ड कर ली। फोल्ड नहीं करना सीधे भैया। अरे मतलब ऐसे जैसे पैर लगाओ और फिर मोड़ने, जैसे जंप मारते हैं ना वैसे हैं। ये जैसलमेर वॉर मेमोरियल। तो इट इज 11:30 और यहाँ एक घंटा लगेगा लगभग वॉर मेमोरियल। अगर आप आओ तो एक फोर्ट छोड़ के, एटलीस्ट एक फोर्ट छोड़ दो, लेकिन आप वॉर मेमोरियल जरूर जाओ। जैसलमेर वॉर मेमोरियल, जो आपने बॉर्डर मूवी देखी है, बॉर्डर मूवी जहाँ लड़ी गई थी, दैट इज लोंगे वाला पोस्ट। और ये पूरा मेमोरियल जो है वो उसी का, मतलब आपने अगर बॉर्डर मूवी देखी तो बॉर्डर मूवी में जो जो चीजें थी वो सारी, जैसे उसमें एक जीप दिखाई थी तो वो रखी है वो जीप। इन जैसलमेर वार म्यूजियम, वेरी वेरी नाइस एक्सपीरियंस। हम पहली बार कोई बंक देख रहे हैं और आप देख लें कि इसकी बनावट एक्चुअल में कैसी रहती है अंदर से। ये बहुत ही सॉलिड है, आप दो और देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर कट, बहुत शानदार। यहाँ से नजारा आप देख सकते हैं सबका। लाइफ में पहली बार मैंने बंकर देखा। ये एक डमी है हालांकि, लेकिन ये बहुत शानदार है, क्रिएट की गई है, ये बहुत शानदार है। ये मेरे साथी हमारे पायलट कुलदीप, और ये मैं संकेत। ये सप्लाई यूनिट से जो है अंकित भारद्वाज, ये जीपीएस यूनिट से, जीपीएस यूनिट सॉरी, और मैं सप्लाई यूनिट से शिव। मैं इन्फेंट्री बीकानेर, और बीकानेर वाले रूट में जैसे हम आए थे जयपुर होकर, बीकानेर वाले रूट में एक अच्छी बात है कि रास्ते भर आपको ऐसा रूट मिलने वाला है, ऐसा रूट सिंगल रूट मिलेगा, डबल नहीं है। डबल अभी फोर लेन है, तो अब फोर लेन अब हुआ ना। हाँ, अभी तक नहीं था, फोर लेन अभी हुआ है, लेकिन आपको रास्ते भर ऐसा फाइन रोड मिलेगा जैसे वहाँ नहीं था। वहाँ कौन सी जगह थी, फालोदी एक जगह थी, उसे 150 किलोमीटर 160 किलोमीटर रह जाता है जैसलमेर, तब आपको ऐसा फाइन रोड मिलता है। लेकिन इस रूट पे आपको दिल्ली तक ऐसा रोड मिलने वाला है, और ज्यादा डिस्टेंस का डिफरेंस नहीं है, 100 किलोमीटर 100-150 किलोमीटर का डिफरेंस है। तो ये रोड है, ऐसे ही रोड मिलने वाला है। बाकी अब हम इशारा कर रहे हैं, पहुंचने वाले हैं बीकानेर, और मैं ढूंढ रहा हूँ होटल बीकानेर में, और यहाँ थोड़ी शॉपिंग करने के लिए मार्केट ढूंढ रहे हैं। लेकिन यहाँ बड़ा कंजेस्टेड है, बड़ा कंजेस्टेड रोड है, हर जगह नो एंट्री के बोर्ड चिपका रखे हैं। 8 भी नहीं बज रहे, अभी 7:30 हो रहा है, लेकिन कार को मार्केट में जाने के लिए अलाउ नहीं करते हैं। नो एंट्री का बोर्ड पता नहीं कितने बजे से लगाते हैं, और रोड बड़े कंजेस्टेड है जैसा आप देख रहे हो। कुछ ट्रेडिशनल खरीदने जा रहे हैं बीकानेर में, कुछ घूमा ना जाए तो कम से कम कुछ ट्रेडिशनल खरीद आ जाए, तो देखते हैं क्या ट्रेडिशनल मिलता है। हमारा नाइट स्टे आज का स्टार्ट होगा बीकानेर में। बीकानेर मार्केट में हम 2 घंटे घूमते रहे, हमें कुछ भी नहीं मिला, हमें कुछ नहीं मिला। इन्हें It's okay, I haven't said anything, I'm quite cool. सिवाय बीकानेरी भुजिया के बीकानेर में कुछ भी नहीं है। And if someone, you see someone in Jaisalmer who tells you that there's nothing in Jaisalmer, go to Bikaner and purchase something from there, that is related to Rajasthani culture, just slap him tight. अरे राजस्थान में राजस्थानी कल्चर से रिलेटेड वही आपको मिलेगा जो आप जैसलमेर से ले सकते हो, और जैसलमेर में आपको लेदर जैकेट्स मिल जाएंगे, लेदर का कुछ कैमल लेदर। बाकी डोंट कंज्यूम कैमल लेदर बिकॉज इट्स अगेंस्ट एनिमल्स, सो प्लीज डोंट कंज्यूम।
बीकानेर में, बीकानेर में कुछ नहीं है, एक छोटा सा किला है, इससे अच्छे आपको उदयपुर में और जोधपुर में आपको वही जैसलमेर में दिख जाते हैं। तो वहाँ बीकानेर में कुछ नहीं है, छोटी छोटी तंग गलियां हैं और कुछ नहीं है। इससे अच्छा अगर आपको फोर्ट्स घूमने हैं तो फोर्ट्स बाकी के फोर्ट्स घूम सकते रहे हैं। और हमने चेकआउट कर दिया है और आज हमारा टास्क, सबसे टफ टास्क आज होने वाला है, 750 किलोमीटर बरेली जाना है। और as you all know कि we have only one pilot, there is no co-pilot, there is no captain, there are only observers, they to see whether I'm sleeping or driving. यहाँ signal core है और supply core है, supply core infantry को अकेले जाना है। अच्छा अब गूगल खोल लो सिग्नल को प्लीज। ओके ट्रिप इज कम्प्लीटेड, अबाउट टू कम्प्लीट, दिस इज द लास्ट स्टॉपेज। वी आर ऑन द वे फ्रॉम दिल्ली टू बरेली, फाइनल वे। सो बाय, सी यू इन नेक्स्ट ट्रिप।